हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे फ़ाइव मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हमने हैंड हाइजीन कब करनी होती है जब हमारे हैंड्स विजिबली डर्टी हैं या विजिबली डर्टी नहीं हैं तो हमने हैंड रब करना है हैंड रब मतलब एंटीसेप्टिक इस्टेलियम यूज़ करना है और जब हमारे हाथ विजिबली डर्टी हैं तो हैंड वॉश करना है तो कब कब हमने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है इसके लिए एक फार्मूला है टू बी एंड थ्री ए टू बी में क्या है और थ्री ए क्या है टू बी मतलब बिफोर एंड थ्री ए मीन्स आफ्टर फर्स्ट टू बी क्या है बिफोर टचिंग द पेशेंट जब हम पेशेंट को टच करने जा रहे हैं किसी भी प्रोसीजर्स के लिए या वाइटल साइन प्रस करने के लिए या एग्जामिनेशनस के लिए तो हमने अपने हैंड हाइजीन मेनटेन करनी है आफ्टर दैट

Uh, जो भी हमने कोई भी प्रोसीजर असिस्ट किया है कोई भी प्रोसीजर कराया है कोई भी सेंट्रल लाइन डाली है कोई इंट्यूबेशन कोई भी एनीथिंग एल्स तो वी हैव टू मेंटेन हैंड हाइजीन और लास्ट वन इज आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग हम जब पेशेंट की सराउंडिंग को टच किया है ये नहीं कि पेशेंट को ही टच करने के बाद इनफैक्ट पेशेंट के सराउंडिंग को टच करने के बाद भी हमने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है ये हमारे फाइव मोमेंट्स हैं हैंड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टाइप टू टाइप से हैंड हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं विद हैंड रब और हैंड वॉश तो आज हमने पढ़ा है फाइव मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन पढ़ेंगे थैंक यू